गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जो कि जी हाँ क्लाउड स्टोरेज के ऊपर ही है। इससे पहले मैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, ये लेक्चर उससे आगे का है। तो अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 18 पहले आप मेरा क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 19 आप पढ़ें। हालांकि मेरे सारे लेक्चर्स नंबर वाइज हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सीक्वेंस को ही फॉलो करें। और अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन जरूर चेक किया करें, वहां पे हमारे फॉलोअर्स उसके सॉल्यूशंस डालते रहते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। स्टोरेज क्लास की मैंने जो पिछले लेक्चर में बात की थी, 4 स्टोरेज क्लास हमारे पास अवेलेबल थी, स्टैंडर्ड स्टोरेज, नियर लाइन स्टोरेज, कोल्ड लाइन स्टोरेज एंड आर्काइव स्टोरेज। स्टैंडर्ड, अब इन चारों में ही कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि स्टोरेज क्लासेस इज अ पीस ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता या जो नॉन टेक्निकल है उनको मैं बता दूं, मेटा डेटा कुछ नहीं होता, एक डेटा का डेटा होता है। अब आप कहेंगे डेटा का डेटा क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल से एक फोटो खींचा, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फोटोग्राफ आपके लिए क्या होगा? डेटा। वो आपका डेटा है, आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको चाहिए, आपको वो फोटोग्राफ चाहिए था, लेकिन उस डेटा का भी एक डेटा है। जब आप उस फोटोग्राफ की प्रॉपर्टीज या डिटेल्स में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि उस फोटोग्राफ का फॉर्मेट क्या है, वो जेपीईजी फॉर्मेट है या वो जो है हमारा कोई और फॉर्मेट है, राइट ना, और जितने भी आते हैं, ठीक है, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहे हैं, उसका साइज क्या है, उसका रिजोल्यूशन कितना है, वो 1080 में है, 720 में है या 360 में है, व्हाटएवर, उसका एक्चुअल साइज कितना है, 2 MB की फाइल है, 1 MB की फाइल है या 200 KB की फाइल है, इस तरह की। वो फोटो कब खींची गई, वो डेट वहां पे मेंशन होगी, यानी ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो उस फोटो से रिलेटेड है, पर आप वो इंफॉर्मेशन कभी चेक नहीं करते, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस तारीख में खींची गई, उसका साइज क्या था, फॉर्मेट क्या था, लेकिन एक्चुअल में वो डेटा का डेटा होता है जो कि उस मोबाइल के लिए जरूरी होता है। मोबाइल उसी के बेस पे ऑर्गेनाइज करता है कि किस फोटो को पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है। इसका मतलब यह है कि मशीन उस मेटा डेटा को रीड करती है और उसके बेस पे आपको रिजल्ट्स देती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेटा डेटा किसे कहते हैं। तो स्टोरेज क्लास इज अ पीस ऑफ मेटा डेटा दैट इज यूज्ड बाय एवरी ऑब्जेक्ट। तो आप जिस भी स्टोरेज क्लास में अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्लाउड में, उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसी तरीके से उसकी बिलिंग की जाएगी और बाकी सारी चीजें भी उसी के हिसाब से होंगी। यहां पर एक और पॉइंट लिखा है, द स्टोरेज क्लास set for an object affects the object availability and pricing model. बहुत important बात है। आपने जो स्टोरेज क्लास सिलेक्ट की है, फिर चाहे आपने ये सिलेक्ट की है या ये वाली या ये वाली या ये वाली, ये डिपेंड करेगा उस स्टोरेज क्लास के बेस पर कि आपको अवेलेबिलिटी कितनी मिलने वाली है और आपका बिल कितना बनेगा। ऑफ कोर्स यार, अगर आप एप्पल का मोबाइल खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा और ओप्पो या वीवो का खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आप अगर एक मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हो तो कंफर्ट अलग होगा, आप मारुति में घूम रहे हो तो कंफर्ट अलग होगा, और अगर आप किसी साइकिल पर चल रहे हो तो अलग होगा। ऑफ कोर्स चीजों में फर्क होगा। ऐसे ही यहां पर जो स्टोरेज के टाइप्स हैं, वो अगर आप स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं, इन चारों में जो सबसे प्रीमियम आप कह सकते हो या सबसे कॉस्टली आप कह सकते हो, वो स्टैंडर्ड होती है। ये उससे सस्ती होती है, ये वाली इन दोनों से सस्ती होती है, और ये वाली सबसे सस्ती होती है। आप इसे चीपेस्ट कह सकते हो और इसे कॉस्टलीएस्ट कह सकते हो। इन चारों के दरमियान अगर मैं बात करूं तो ये सबसे महंगी है और ये सबसे सस्ती है। तो ऑफ कोर्स आप जिस भी स्टोरेज टाइप का इस्तेमाल करेंगे, आपकी प्राइसिंग उस पर डिपेंड करेगी, आपका बिल कितना बनेगा, और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि वो स्टोरेज अवेलेबल कितने टाइम रहेगी पूरे साल में। क्या कोई ऐसा 2 मिनट या 4 मिनट का टाइम भी होगा जब वो स्टोरेज हमें नॉट रीचेबल या नॉट एक्सेसिबल होगी? ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करेगी। अब आप कहेंगे सर तो फायदा क्या हुआ क्लाउड का? देखिए क्लाउड में आप इसको ऐसे समझें कि आप जाते हैं, जब आप एक सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में 3 तरह की टिकट होती है, एक आगे वाले होते हैं, एक बीच वाले होते हैं और एक प्रीमियम आखिरी की एक वो वाली रिक्लाइनर चेयर्स लगाई गई होती हैं।
तीनों ही सेम पिक्चर देख रहे होते हैं, सेम आवाज आ रही होती है, सेम क्वालिटी होती है, लेकिन कंफर्ट के पैसे होते हैं, आप कहां से बैठ के देख रहे हैं इस चीज के पैसे होते हैं। ऐसे यहां पर भी जो स्टोरेज है, कहने को तो ये स्टोरेज है पर इनके भी अपने अपने कंफर्ट जोन है। अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको अवेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, चांसेस कम है कि वो स्टोरेज नॉट रीचेबल या नॉट एक्सेसिबल जैसा कोई एरर आपको कभी आए, इस चीज के चांसेस बेहद कम है। लेकिन जीसीपी कहता है कि भैया सस्ते पे जाओगे तो मैं भी उसको सस्ते की तरह ही रखूंगा, मैं उसको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं रखूंगा। एक दुकान के अंदर सारे सामान को दुकानदार केयर से नहीं रखता, जो महंगे आइटम होते हैं उन्हें अपने शोकेस के अंदर रखता है, और जो सस्ते आइटम होते हैं कई बार वो दुकान के बाहर भी सुबह सुबह उन्हें लाके रख देता है कि भाई ये तो सस्ता आइटम है, इसे कौन चुराएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर भी जो गूगल क्लाउड है वो उन स्टोरेज को अवेलेबिलिटी की जहां तक बात है वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा। ये हालांकि कोई परचून की दुकान नहीं है, यहां पे चारों में आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, बट उस बेस्ट में भी कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ थोड़ा सा कम अच्छा होता है, ये आप कह सकते हैं। You can change the storage class of an existing object either by rewriting the object or by using object lifecycle management. ये भी सच है कि आप अगर किसी एक storage class को set करके उसमें कोई object upload कर देते हैं तो उसको बाद में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके दो सूरत है। पहली, आप उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से, अगर आपने उसका स्टोरेज क्लास चेंज करनी है, आप चाहते हैं कि अभी मैंने एक फाइल स्टैंडर्ड में डाली हुई है बट अब मैं उसे स्टैंडर्ड में नहीं रखना चाहता, नियर लाइन में रखना चाहता हूं, तो उसको डायरेक्टली ऐसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तरीका यह है कि या तो आप उस ऑब्जेक्ट को यहां पे दोबारा से अपलोड करें अगर आप उसे इसमें रखना चाहते हैं अब, या फिर क्लाउड में एक ऑटोमेशन भी होता है जिसे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें कि एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जैसे ही एक डेटा के 30 दिन पूरे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड से नियर लाइन में मूव कर जाएगा। आप इस तरह का लाइफ साइकिल बना सकते हो, जैसे ही उस डेटा के 90 दिन पूरे हो जाएंगे वो नियर लाइन से कोल्ड लाइन स्टोरेज में मूव कर जाएगा, और जैसे ही उस डेटा के 365 दिन पूरे हो जाएंगे आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसे उसके बाद डिलीट करना है या उसे आर्काइव में मूव करना है। तो इस तरह का ऑटोमेशन भी आप कर सकते हैं गूगल क्लाउड के ऊपर, और जिसको हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं। यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस किया गया है, व्हेन यू क्रिएट अ बकेट यू कैन स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर द बकेट। तो बकेट बनाते टाइम ही आपके पास यह ऑप्शन होता है कि आप इस बकेट को किस स्टोरेज क्लास में बनाना चाहते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड में, नियर लाइन में, कोल्ड लाइन में या आर्काइव में, जिसमें भी बनाना चाहते हैं बकेट को वहां बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी स्टोरेज क्लास सिलेक्ट नहीं करते हैं या भूल जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट गूगल क्लाउड उस बकेट को स्टैंडर्ड स्टोरेज में बनाता है। ये एक बात है जो आपको याद रखनी है। अब इससे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। अब हम बात कर लेते हैं इन चारों ही स्टोरेज टाइप्स के कुछ कॉमन फीचर्स की जो चारों में ही सेम होते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट है अनलिमिटेड स्टोरेज विद नो मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज। ये इंपॉर्टेंट बात है गाइज कि यहां पर कोई मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज डिस्कस नहीं किया गया है गूगल क्लाउड की तरफ से कि भाई इतना ही मिनिमम साइज है कि 1 KB या 2 KB का ये मिनिमम साइज है जो आप अपलोड कर सकते हो। एज सच गूगल डॉक्यूमेंटेशन ने ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है, बट टेक्निकली ऑफकोर्स 0 byte का तो कुछ आप अपलोड नहीं कर सकते, तो कुछ तो साइज फाइल का होना ही चाहिए, बट देयर इज नो मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज। आप कितने भी मिनिमम साइज के ऑब्जेक्ट को, कोई छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को, 1 MB के, 1 KB के, 10 KB के ऑब्जेक्ट को भी गूगल स्टोरेज पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जो एक खास फैसिलिटी है वो है वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी, यानी इस स्टोरेज को आप गूगल क्लाउड पे अगर अपने डेटा को रखते हैं तो पूरी दुनिया में उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जस्ट लाइक योर गूगल ड्राइव। अगर वो लिंक मैं किसी के भी साथ शेयर करूं पूरी दुनिया में तो वो वहां से उस लिंक को ओपन करके उस स्टोरेज में क्या पड़ा हुआ है उसे एक्सेस कर सकता है। तो इसी चीज को कहा जाता है वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी एंड वर्ल्ड वाइड स्टोरेज लोकेशन। गूगल कहता है कि हमारी जो लोकेशन है वो पूरी दुनिया में है, आप जहां चाहें वहां आप उस डेटा को रख सकते हैं। लो लेटेंसी, लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी एक टेक्निकल टर्म होती है जिसका मतलब होता है कि मैंने किसी को कोई डेटा भेजा और उसका रिप्लाई कितनी देर में आया, दैट इज नोन एज लेटेंसी। ये जितना कम होगा उतना बेटर सिस्टम वो कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया www.technicalguftagu.in, जैसे ही मैंने उसको सर्च किया मेरी रिक्वेस्ट 2 सेकंड में सर्वर तक गई और 2 सेकंड में मुझे रिप्लाई मिला, यानी जो लेटेंसी है वो 4 सेकंड
सेकंड की है, 4 सेकंड में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन उसकी जगह अगर 4 सेकंड की जगह 10 सेकंड लग रहे होते तो शायद मैं कहता कि वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, बहुत देर से ओपन हो रही है, यानी कि लेटेंसी हाई है। सो लेटेंसी हमेशा कम होनी चाहिए, यानी इसका मतलब जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद जो इनकी स्टोरेज होती है वो हाईली ड्यूरेबल होती है, और 11x9 अगर आप इन 9 को देखोगे तो 99.9999999999 यानी 11 बार 9 लिखा हुआ है, और ये बड़े पॉपुलर है 11x9। आपको तीनों क्लाउड में, चाहे Azure की बात कर लें, AWS की बात कर लें या Google क्लाउड की बात कर लें, ड्यूरेबिलिटी के मामले में तीनों की सेम वैल्यू होती है 11x9। और ये इंटरव्यू का और एग्जाम का एक कॉमन सवाल है जो हमेशा आता है, उसमें कंफ्यूजन वो यहां क्रिएट करते हैं, वो आपसे अवेलेबिलिटी का सवाल पूछेंगे, उसमें ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी। चेंज अवेलेबिलिटी होती है, इसकी अवेलेबिलिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन ड्यूरेबिलिटी चारों की सेम होती है 11x9। ये एक कॉमन चीज है तो आपको याद रखनी है। अब जिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा, जो नॉन टेक्निकल या फ्रेशर है, उनको लग रहा होगा ड्यूरेबिलिटी का असल मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब है किसी चीज के खराब होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर उसके खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आप देखें जरा, 11 बार 9 है, इसको हम कहते हैं कि ठीक है प्लस 1 हम इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हो जाता है। तो अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 1,000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़, तो ये 10,000 करोड़ है अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, 10,000 करोड़। तो इसका मतलब ये है, हाई ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि 10,000 करोड़ स्टोरेज अगर गूगल क्लाउड के पास है तो उनमें कोई एक स्टोरेज के खराब होने के चांसेस हैं, उसका मतलब हुआ 99.99, क्योंकि अगर आप 10,000 करोड़ में से माइनस 1 करोगे ना तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब हुआ 10,000 करोड़ स्टोरेज अगर गूगल के पास है बड़ी बड़ी, तो या हिस्से हैं स्टोरेज के कुछ भी आप मान लो, या 10,000 करोड़ कस्टमर्स की स्टोरेज है, तो किसी एक स्टोरेज के खराब होने के चांसेस है। और 10,000 करोड़ अपने आप में इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल चांस है कि स्टोरेज खराब होगी। ड्यूरेबिलिटी इस चीज को कहते हैं टिकाऊ, हमारी देशी भाषा में हम कहते हैं ना ये चीज टिकाऊ कितनी, टिकाऊ मतलब कितना टिकेगी, कितना चलेगी, तो दैट इज ड्यूरेबिलिटी। जियो रिडंडेंसी, जियो रिडंडेंसी इफ द डाटा इज स्टोर्ड इन अ मल्टी रीजन और ड्यूअल रीजन। जी हां, देखें अगर आप मल्टी रीजन का इस्तेमाल करते हैं या ड्यूअल रीजन का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल आपको रिडंडेंसी देता है, जियो रिडंडेंसी। जियो रिडंडेंसी का मतलब है कि बजाय एक ही रीजन में सारे डेटा को रखने के, वो अलग अलग प्लेसेस पे रखेगा, इससे आपका डेटा जो है वो ज्यादा अवेलेबल रहेगा, उसके फेल होने के चांसेस कम है। एक जगह खराब हो भी गया तो उसका जो बैकअप रखा है दूसरी जगह, उससे आपको डेटा एक्सेसिबल रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जियो रिडंडेंसी का फीचर मिलता है आपको मल्टी रीजन और ड्यूअल रीजन के अंदर। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस विद क्लाउड स्टोरेज फीचर्स, सिक्योरिटी टूल्स एंड एपीआई। ये कहते हैं चारों ही स्टोरेज में कोई फर्क नहीं है, उनको एक्सेस करने का तरीका, उनके फीचर्स, सिक्योरिटी, वो हमने चारों पे इक्वल लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि सस्ती स्टोरेज पे कम सिक्योरिटी लगाई है, स्टैंडर्ड पे ज्यादा सिक्योरिटी लगाई है, ऐसा नहीं किया गया। स्टोरेज सिक्योरिटी के मामले में, टूल्स के मामले में, एपीआईस के मामले में, चारों स्टोरेज को सेम तरीके की फैसिलिटी दी गई है। स्टैंडर्ड स्टोरेज जिस तरीके से एक्सेस की जा सकती है, आर्काइव को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट रिटर्न टू क्लाउड स्टोरेज मस्ट बी रिडंडेंटली स्टोर्ड इन एट लीस्ट 2 different availability zone before the write is acknowledged as successful। ये कहते हैं कि उस object को, जो भी object Google Cloud पे upload किया जाता है, write किया जाने का मतलब है उस पे upload किया जाना, तो वो at least 2 different availability zone में कम से कम store किया जाता है बिफोर द रिटर्न एक्नोलेज एज सक्सेसफुल, यानी गूगल उसकी एक एक्चुअल कॉपी और एक उसकी रेप्लिका बनाता है। तो अवेलेबिलिटी जोन में कब बनाएगा, जब रीजनल स्टोरेज सिलेक्ट करोगे। अगर आप ड्यूअल रीजन सिलेक्ट करोगे तो ड्यूअल रीजन के केस में अलग अलग रीजन में वो रेप्लिका बनाएगा, और अगर आप मल्टी रीजन सिलेक्ट करोगे तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में उनके रेप्लिका बनाएगा। एक डेटा का अगर उसने यूएस में रखा हुआ है तो उसी की सेम कॉपी वो एशिया में भी रखेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ यू नो रिडंडेंट या replication।
मैक्सिमम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AWS के अंदर भी सेम होता है, 5 टेराबाइट और गूगल क्लाउड में भी 5 टेराबाइट होता है, ठीक है। तो 5 टेराबाइट का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर सवाल ये नहीं आता, सवाल एग्जाम में ये आता है कि बकेट के अंदर या एक बकेट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, एक बकेट के अंदर कितना डेटा आ सकता है। ये कॉमन सवाल है जो इंटरव्यूअर पूछता है फ्रेशर से या एक्सपीरियंस से भी पूछ लेता है कि एक बकेट का कोई साइज क्या होता है, एक बकेट में मैक्सिमम डेटा कितना आ सकता है। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो साइज ऑफ अ बकेट, एक बकेट के अंदर अनलिमिटेड डेटा आ सकता है और उसके अंदर डालने वाले एक ऑब्जेक्ट का, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज 5 टेराबाइट का हो सकता है, और इस तरीके के मल्टीपल 5-5 टेराबाइट के ऑब्जेक्ट्स आप उस बकेट में डाल सकते हो। और इसमें एक पॉइंट और भी है यहां से, ये वाला, अब मल्टीपल अपलोड कैन हैव अप टू 10,000 पार्ट्स। अगर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पार्ट से मिलकर बना है, आपने मल्टीपल अपलोड करे हैं एक ही ऑब्जेक्ट को, यानी एक ही फाइल के मल्टीपल हिस्से हैं और उनसे मिलकर वो फाइल बनी है, तो एक फाइल का साइज जो उसका पार्ट होगा, सॉरी उस फाइल का जो एक हिस्सा होगा वो 5 गीगाबाइट का हो सकता है। और इसी तरीके से उनका जो मैक्सिमम ओवरऑल साइज होगा वो 5 टेराबाइट ही रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली डिस्कस नहीं किया जाता, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। अब मल्टीपल अपलोड कैन हैव अप टू 10,000 पार्ट्स, अगर मल्टीपल अपलोड आप कर रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट के, तो 10,000 पार्ट उसके मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एंड इंडिविजुअल पार्ट हैज अ मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ 5 गीगाबाइट, यानी एक इंडिविजुअल पार्ट का साइज 5 गीगाबाइट हो सकता है, और उनको जोड़कर जो ओवरऑल साइज, उन 10,000 मैक्सिमम अगर हिस्से हैं तो उनका जोड़कर जो साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, वो 5 टेराबाइट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन बातें हैं इन चारों ही स्टोरेज टाइप के बारे में। अब मैं 1 by 1 चारों स्टोरेज टाइप को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, उनके भी फीचर्स डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड छोटी से छोटी बात आपकी कवर हो जाए। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टोरेज की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी पहली नंबर की स्टोरेज है और इन चारों में सबसे कॉस्टली है। अगर इनके फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड स्टोरेज, और आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड स्टोरेज इज बेस्ट फॉर डेटा दैट इज फ्रीक्वेंटली एक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंटरव्यूअर एग्जाम के लिहाज से। अगर कोई भी आपसे पूछ ले, कोई इंटरव्यूअर, कि भाई मुझे ये बताओ मैं स्टैंडर्ड स्टोरेज को कब सिलेक्ट करूंगा या अपने डेटा को कब उसमें रखूंगा, सिंपल सा आंसर है, अगर आपका डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया जाने वाला डेटा है, जो कि डेली आपको या बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करना है, ऑलवेज चूज स्टैंडर्ड स्टोरेज, सिंपल सा आंसर है। और इसी को क्या कहते हैं, हॉट डेटा कहते हैं। तो इसमें जो डेटा पड़ा हुआ होता है हॉट डेटा, हॉट क्यों, क्योंकि हमें वो जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। और स्टोर्ड फॉर ओनली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टोर्ड फॉर ओनली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कुछ वक्त के लिए। When used in a region, standard storage is appropriate for storing data in the same location as GKE clusters or compute engine. ये कहते हैं अगर आप regional बना रहे हैं, क्योंकि आप जब अपनी storage select करेंगे standard storage, तो आपको location type भी select करना पड़ेगा कि आप इसको multi-regional बनाना चाहते हैं, dual regional बनाना चाहते हैं या regional बनाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप regional बनाते हैं या regional के साथ जाते हैं, तो हम suggest करेंगे कि जहां आपका GKE का क्लस्टर चल रहा है, जिस रीजन में या जिस रीजन में आपके कंप्यूट इंजन यानी कि वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, उसी रीजन में आप अपनी स्टोरेज को भी बनाएं, ताकि लेटेंसी जो है वो इंप्रूव्ड हो और बेटर रहे। तो ये एक सजेशन इनकी तरफ से है कि रीजनल के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। रीजनल स्टोरेज इज रिडंडेंट विद इन अ रीजन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रीजनल स्टोरेज के जो रेप्लिका होगा, जो उसकी एक बैकअप कॉपी होगी, वो भी उसी रीजन के अंदर रहती है, कहीं और स्टोर नहीं की जाती, क्योंकि ये रीजनल है। When used in dual region, अब अगर मैं regional की जगह अपने इस standard storage को dual region में select करूं, मैं बनाते time में आपको lab में दिखाऊंगा भी, मैं अगर dual region का option select करूं, तो क्या होगा, मेरी availability improved हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, भाई जहां मैं पहले एक ही region के अंदर सारे data को रख रहा था, उसके original copy को भी और उसकी backup copy को भी, यहां पे dual region में अब मैं अपने data को एक तरफ Iowa में रख सकता हूं, तो दूसरी तरफ मैं उसको for example अमेरिका के और किसी टेक्सस या जो भी रीजन वहां पे है, वहां पे मैं उसको रख सकता हूं। तो मैं अलग अलग रीजन्स में रख सकता हूं, जो भी यूएस के अंदर मेरे पास मल्टीपल रीजन्स हैं, मैं वहां पे उसको सेव कर सकता हूं। तो
ऐसे में मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो इंप्रूव्ड हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, रीजनल सस्ती होती है, ड्यूअल रीजन का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उससे थोड़ी महंगी हो जाएगी प्राइस, और मल्टी रीजन सेलेक्ट करेंगे तो उससे थोड़ा और महंगा हो जाएगा स्टोरेज का प्राइस। तो स्टोरेज का प्राइस डिपेंड करेगा कि आप रीजनल लेते हो, ड्यूअल रीजन लेते हो या मल्टी रीजन लेते हो। व्हेन यूज्ड इन मल्टी रीजन, आइडियल फॉर स्टोरिंग डेटा दैट इज एक्सेस्ड अराउंड द वर्ल्ड सच एज सर्विंग वेबसाइट कंटेंट, स्ट्रीमिंग वीडियोस, एग्जीक्यूटिंग इंटरैक्टिव वर्कलोड और सर्विंग गेमिंग डेटा और एप्लीकेशंस। ये कहते हैं कि भाई मल्टी रीजन तब आप सिलेक्ट करें जब आपको वर्ल्ड वाइड उस स्टोरेज को एक्सेस करना है या वर्ल्ड वाइड आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस करने वाली है उस स्टोरेज को, तो आप अपने डेटा को मल्टी रीजनल बना सकते हैं। एक यूएस में भी डेटा पड़ा है उसका, एशिया में भी पड़ा है, ताकि दोनों तरफ के जो सर्वर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपरली उनको एक्सेस कर पाए। तो आप मल्टी रीजन के साथ भी जा सकते हैं, बट ये कॉस्टली होगा। मल्टी रीजनल इज जियो रिडंडेंट। जियो रिडंडेंट का मतलब है अलग अलग लोकेशन पे पड़ा होता है डेटा, स्टोर्ड अक्रॉस टू और मोर रीजंस, लिखा भी है अलग अलग रीजंस में होता है और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में होता है बेसिकली मल्टी रीजन के केस में। और यहाँ पे जो रीजन्स होंगे उनके बीच की दूरी कितनी होती है, जनरली 500 माइल्स या उससे ज्यादा होनी जरूरी है, उस बेस पे वो सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात की गई है जिसपे एक सवाल एग्जाम में बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड के केस में अलग होती है, बाकी जब आप तीनों पे जाएंगे आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। मैं बता भी देता हूँ, 99.90 इस केस में ड्यूअल रीजन में, और मेरे ख्याल है 99% यहां। आप चाहे नियर लाइन की बात कर लें, कोड लाइन की बात कर लें या आर्काइव की बात कर लें, इन तीनों ही केसेस में जो आपको अवेलेबिलिटी SLA मिलेगा वो ये मिलेगा, यानी मल्टी रीजन में 99.90, ड्यूअल रीजन में 99.90, रीजनल में 99% का मिलेगा आपको ये बाकी के तीनों स्टोरेज में। तो मैंने ये इसलिए लिखवाया ताकि आप कंपेयर कर सकें कि यहां सिर्फ फर्क है, यहां 99.95 अवेलेबिलिटी SLA आपको मिलता है मल्टी रीजन के केस में, ड्यूअल रीजन के केस में भी 99.95 मिलता है और रीजनल के केस में 99.90 मिलता है। आप कुछ लोग कहेंगे सर बात नहीं समझ आई, ये SLA क्या होता है। देखिए SLA को फुल फॉर्म होती है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब जहां पे एग्रीमेंट आ रही है तो एग्रीमेंट का मतलब है कोई लीगल टर्म आ रही है, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो गूगल आपके साथ एक करता है। इसे हिंदी में अनुबंध कहते हैं, यानी कि उर्दू में इसे करार कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, आपकी कंपनी और गूगल के बीच में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जाता है। गूगल कहता है अगर ये एग्रीमेंट कहीं पर भी ब्रीच होता है, यानी मैं जो बात मैंने कही है, जो कमिटमेंट, जो वादा मैंने आपसे किया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसका जो भी हर्जाना, जो भी कंपनसेशन होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, वहां पे मेंशन होती है वो कंपनसेशन कैसे मिलेगा, वो गूगल आपको देगा। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर गूगल ने आपको कहा है कि साल में, पूरे साल में एक घंटा का मैं आपसे अपनी तरफ से ले रहा हूं, कि एक घंटे तो हो सकती है कि मेरी सर्विस डाउन आपको मिले, पूरे साल में एक घंटे टोटल बता रहा हूं, यानी कि 10 मिनट कभी, 5 मिनट कभी, 10 मिनट कभी, 5 मिनट, 4 मिनट कभी, ओवरऑल गूगल कहता है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि भाई एक घंटा पूरे साल में जोड़ के मेरी सर्विस डाउन रह सकती है। आप कहते हैं चलें जी एक घंटे से तो कोई मसला नहीं होने वाला पूरे साल के अंदर, लेकिन इससे ज्यादा हुई तो गूगल कहता है एग्रीमेंट के अंदर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर उससे ज्यादा डाउन होती है, एक घंटे से एक मिनट भी ज्यादा होती है, तो मैं ये परसेंटेज का आपको कंपनसेशन दूंगा। ये मेंशन होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट में। तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो गूगल ने कहा है कि मल्टी रीजन में 99.95%, आप एनुअल इसको निकाल सकते हैं कि एक साल में जितने घंटे होते हैं उसका 99.95% अवेलेबिलिटी वो आपको दे रहा है, या कि बाकी एक घंटा, दो घंटे, जो भी कैलकुलेट करके आएगा उतनी देर तो डाउन हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर वो डाउन आपको मिलती है पूरे साल में सर्विस, तो गूगल आपको हर्जाना देगा। यही चीज कम हो जाती है रीजनल के केस में। गूगल कहता है यहां पे मैं आपको इतना SLA नहीं दूंगा, यहां पे मैं आपको कम दूंगा, 99.90% का SLA मैं आपको दूंगा। तो ये कुछ सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, इस पे एग्जाम में एक सवाल बन जाता है और आपको भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है। कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो एक अगर आप एस्टीमेट भी दे देते हैं 99.95 या 99.90 तो भी ठीक है, बट अगर आप 99 बोल देंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 99 कहना स्टैंडर्ड में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां तो
0.05 की लड़ाई चल रही है, 99.95, 99.90, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 98 या 99 आपने कभी नहीं बोलना है, आपने 99.95 या 99.90 ये चीज आप कह देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। बट आप बिल्कुल अगर सही गए तो मल्टी रीजन और ड्यूअल रीजन दोनों की वैल्यू सेम है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड स्टोरेज, रीजनल की कम होती है 99.90। तो ये मैंने स्टैंडर्ड स्टोरेज से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करा दिए हैं। अब इससे अगली स्टोरेज की बात करते हैं। अब जरा हम नियर लाइन स्टोरेज की बात कर लेते हैं। नियर लाइन स्टोरेज इज अ लो कॉस्ट हाईली ड्यूरेबल स्टोरेज सर्विस फॉर स्टोरिंग इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नियर लाइन स्टोरेज आपको कब इस्तेमाल करनी है। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि भैया नियर लाइन स्टोरेज का इस्तेमाल कब करना है, तो सिंपल सी बात कहनी है फॉर इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। अब इंटरव्यूअर अगला सवाल करेगा तो क्या ऐसा डेटा जो कि 6 महीने में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा डेटा जो ऑन एन एवरेज महीने में एक बार आपको एक्सेस करना पड़ सकता है, इस तरह के डेटा को आप रखेंगे नियर लाइन स्टोरेज के अंदर। इसका अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, नियर लाइन स्टोरेज इज बेटर चॉइस देन स्टैंडर्ड स्टोरेज इन सिनेरियोस वेयर स्लाइटली लोअर अवेलेबिलिटी, अ 30-day मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन एंड कॉस्ट फॉर डेटा एक्सेस आर एक्सेप्टेबल ट्रेड ऑफ फॉर लोअर एट रेस्ट स्टोरेज कॉस्ट। ये आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यही है, इन्होंने इसमें यह कहा है कि स्टैंडर्ड स्टोरेज से अच्छा ऑप्शन नियर लाइन स्टोरेज हो सकता है अगर आप महीने में एक बार ही अपने डेटा को एक्सेस करते हैं या करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कोई फिक्स नहीं है एक बार, हो सकता है दो बार भी करें, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि क्या सिर्फ महीने में एक ही बार कर सकते हैं, नहीं करने को आप 1000 बार करो, डेली करो। पर इसकी जो कॉस्ट है, क्योंकि यहां पे रिट्रीवल कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है स्टोरेज में, तो बेटर है कि महीने में अगर एक आधा बार कर रहे हैं तो ये आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको डेली एक्सेस करेंगे तो ये महंगी पड़ सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए सजेशन ये है कि अगर महीने में एक आधा बार इस्तेमाल करना है, गो विद नियर लाइन स्टोरेज। आप चाहें तो इस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियर लाइन स्टोरेज इज आइडियल फॉर डेटा यू प्लान टू रीड और मॉडिफाई ऑन एवरेज वंस पर मंथ। वही मैंने बोला, महीने में एक बार अगर आपको कोई डेटा रीड या राइट करना मॉडिफाई करना पड़ सकता है, तो इस तरह के लिए नियर लाइन स्टोरेज बेहतर है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड को छोड़ के बाकी तीनों की अवेलेबिलिटी सेम है। जैसे कि अगर आप नियर लाइन की बात करें तो मल्टी रीजन में आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी 99.90%, ड्यूअल रीजन में भी 99.90% मिलेगी और रीजनल में 99.0% मिलेगी। अब अगर मैं दूसरी तरफ कोल्ड लाइन स्टोरेज की बात करूं तो इसकी अवेलेबिलिटी भी सेम है, यानी यही तीनों मिलेगी, मल्टी रीजन में 99.9, ड्यूअल रीजन में 99.9, रीजनल में 99.0। तो एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाता है याद रखना कि भैया नियर लाइन, कोल्ड लाइन, आर्काइव तीनों की अवेलेबिलिटी सेम रहने वाली है, बस स्टैंडर्ड में फर्क होगा। तो एग्जाम के जो क्वेश्चन आएगा उसको वो चीज ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई नियर लाइन की। कोल्ड लाइन की भी 2-3 बातें यहां पर लिखी गई हैं कि भैया कोल्ड लाइन कब इस्तेमाल करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, अगर यहां पर कुछ भी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, हमारे पास 4 तरह की स्टोरेज होती हैं, स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कोल्ड लाइन, आर्काइव। याद रखना है स्टैंडर्ड होता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस के लिए, या आप कह सकते हो जिस डेटा को डेली एक्सेस किया जाना है। नियर लाइन होता है जिस डेटा को महीने में एक बार इस्तेमाल हमें करना पड़ सकता है। कोल्ड लाइन होता है जिस डेटा को 3 महीने में यानी 90 दिनों में हमें एक बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ऐसे के लिए हम कोल्ड लाइन स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। और आर्काइव होता है जिस डेटा को साल में एक आधा बार इस्तेमाल या एक्सेस करने की, रीड या मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे डेटा को आर्काइव में रखेंगे। बहुत सिंपल है, मैंने दोबारा से बता दिया। तो कोल्ड लाइन स्टोरेज प्रोवाइड वेरी लो कॉस्ट हाईली ड्यूरेबल स्टोरेज सर्विस फॉर स्टोरिंग इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। अब यहां पर भी वो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा ही कह रहा है, यहां पर भी इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा कह रहा है। फर्क क्या है, यहां पे इनफ्रीक्वेंटली का मतलब है महीने में एक बार, और यहां पर इनफ्रीक्वेंटली का एक्सेस का मतलब है 90 दिन या कि क्वार्टर में एक बार। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोल्ड लाइन अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कब यूज करेंगे, तो आपको कहना है कि अगर किसी डेटा को क्वार्टरली हम एक आधा बार एक्सेस करने की जरूरत हमें है, तो उस तरह का डेटा हमें इसमें रखना चाहिए।
कोल्ड लाइन स्टोरेज इज आइडियल फॉर डेटा यू प्लान टू रीड और मॉडिफाई एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा अगर क्वार्टर में एक बार आपको इस्तेमाल करना, रीड करना पड़ सकता है किसी डेटा को, ऐसे डेटा को कोल्ड लाइन में रखें। अगर आपने किसी ऐसे डेटा को इसमें रख दिया जिसे आप डेली रीड कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट स्टैंडर्ड से भी ज्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा को रीड करने के पैसे लगते हैं, जबकि स्टैंडर्ड में डेटा को रीड करने के कोई पैसे नहीं लगते। कहने का मतलब रखना सस्ता है, उसको रीड करना महंगा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी इज सेम एज नियर लाइन, सिंपल सी बात है, ये वाला याद कर लो, बाकी तीनों के लिए सेम ही रहने वाला है। तो अब जो लास्ट स्टोरेज टाइप रह गई है, दैट इज आर्काइव, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्काइव स्टोरेज की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आर्काइव स्टोरेज इज द चीपेस्ट वन, चारों स्टोरेज में सबसे सस्ती होती है, हाईली ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी सबकी सेम है, स्टोरेज सर्विस फॉर डेटा आर्काइविंग, ऑनलाइन बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। यानी अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई आर्काइव स्टोरेज का इस्तेमाल कब किया जाएगा, तो आप उन्हें कह सकते हैं जब हमें डेटा आर्काइविंग करनी है, ऑनलाइन बैकअप लेना है, या फिर डिजास्टर रिकवरी के लिए अगर हम किसी डेटा को रखना चाहते हैं तो हम उसे आर्काइव स्टोरेज में रख सकते हैं। अनलाइक द कोल्डेस्ट स्टोरेज सर्विस, ये कहते हैं कि सबसे सस्ती और सबसे कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट मतलब जो कि मतलब आप कह लें कि सबसे सस्ती है, सबसे चीपेस्ट स्टोरेज टाइप में रखी गई है, उस तरह के डेटा के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो मिली सेकेंड्स में एक्सेस हो जाता है और ना कि घंटे या दिन में। और यहाँ पे ये मजाक उड़ा रहे हैं AWS का, क्योंकि AWS के अंदर अगर आप आर्काइव स्टोरेज में उनके डेटा को रखते हैं तो वहां पे 24 घंटे का टाइम वो कहकर चलते हैं, जबकि ये कहते हैं कि हमारे आर्काइव में भी आपको मिली सेकेंड्स के अंदर डेटा अवेलेबल हम कर देते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है इन कंपैरिजन टू AWS, ये भी आपको याद रखना है। आर्काइव स्टोरेज हैज हायर कॉस्ट फॉर डेटा एक्सेस एज वेल एज 365 डेज मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर डेटा को रखना तो सबसे सस्ता है चारों स्टोरेज के टाइप में, लेकिन आप डेटा को जितनी बार एक्सेस करेंगे उसका चार्ज महंगा है इन कंपैरिजन टू कोल्ड लाइन या नियर लाइन। तो यहां पर डेटा को एक्सेस करना महंगा है, इसीलिए बार बार अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो नेवर चूज आर्काइव। उसके बाद ये कहते हैं कि 365 दिन की एक ड्यूरेशन है, अगर डेटा को रखते हैं तो 365 दिन इस स्टोरेज में आपको उसे रखना पड़ता है। आर्काइव स्टोरेज इज द बेस्ट चॉइस फॉर डेटा दैट यू प्लान टू एक्सेस लेस देन वंस अ ईयर। ये कहते हैं ये बेस्ट चॉइस हो सकती है ऐसे डेटा के लिए जिसे साल में एक बार या उससे भी कम एक्सेस किया जाना है, यानी या तो साल भर हम एक्सेस ही नहीं करेंगे या शायद एक बार एक्सेस करने की जरूरत पड़े, ऐसे डेटा को आप आर्काइव में रख सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो नियर लाइन और कोल्ड लाइन जैसी ही है, यानी कि 99.9 मल्टी रीजन में, फिर ड्यूअल रीजन में भी 99.9 आपको मिलेगी और 99% आपको मिलेगी रीजन के अंदर। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। टू मैक्सिमाइज दी अवेलेबिलिटी ऑफ योर डेटा, अगर यहां इसकी बात करें तो ये एक पॉइंट मैंने यहां पे ना एक्चुअली ऐड कर दिया है आपकी नॉलेज के लिए, हालांकि ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कंसिडर स्टोरिंग योर डेटा इन अ मल्टी रीजन और ड्यूअल रीजन बकेट लोकेशन इफ हाई अवेलेबिलिटी इज अ टॉप रिक्वायरमेंट। ये कहते हैं कि आप मल्टी रीजन या ड्यूअल रीजन तब ही सिलेक्ट करें जब आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ऐसी है कि आप एक सेकेंड का भी डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरी स्टोरेज मुझे एक्सेसिबल नहीं है, इन दैट केस आप मल्टी रीजन या ड्यूअल रीजन के साथ जाएं, अदरवाइज जरूरत नहीं है क्योंकि खर्चा है वो थोड़ी महंगी है। All data is stored geo-redundantly in these locations. ये कहते हैं अगर आप मल्टी रीजन या dual location पे जाते हैं तो फायदा ये है कि डेटा geo-redundant होता है, यानी अलग अलग दो different regions में रखा जाता है, जिससे कि आप जो है यहाँ पे मैं पूरी बात ही पढ़ के सुना देता हूँ। All data is stored geo-redundantly in these locations, which means your data is stored in at least two geographical separated regions in the unlike event like region-wide outage. ये कहते हैं कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए जो कि हमें उम्मीद नहीं थी, पूरे का पूरा रीजन अगर डाउन हो जाए, रीजन वाइड आउटेज का मतलब है पूरा रीजन ही खराब हो जाए, सब कुछ उसमें जो पड़ा है वो किसी भी वजह से खराब हो जाए, तो भी आपकी बकेट, आपका डेटा एक्सेसिबल रहेगा अगर आपने मल्टी रीजन या ड्यूअल रीजन सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि डेटा दो अलग अलग लोकेशंस पे होती है, उसकी एक एक्चुअल कॉपी अगर किसी रीजन में है और वो खराब हो गया तो उसकी दूसरी कॉपी दूसरे रीजन में पड़ी है और आपको वहां से मिल जाएगा, इवन आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कोई रीजन खराब हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपको यहां पे मिलती है। बकेट इन जियो रिडंडेंट लोकेशन रिमेन अवेलेबल विद नो नीड टू चेंज स्टोरेज पाथ, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेटा आपको एक्सेसिबल रहेगा। एक लास्ट पॉइंट यहां पर मैंने लिख दिया है, यू कैन नॉट चेंज बकेट लोकेशन
और प्रोजेक्ट आफ्टर क्रिएशन, आप बकेट की लोकेशन जो आपने बनाते टाइम ले ली है, बकेट की लोकेशन वही रहती है और प्रोजेक्ट वही रहता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको बकेट दोबारा से बनानी पड़ेगी, आपको उसमें वो डेटा दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा उस रीजन में जहां भी आप वो डेटा चाहते हैं, यानी ये लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। बकेट जिस लोकेशन में बनती है हमेशा वही रहती है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो सिंपल सा तरीका है, वहां से बकेट को डिलीट करो और दूसरे रीजन में दोबारा से बकेट बनाओ, यही एक तरीका आपके पास है। तो कुल मिला के दोस्तों क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड काफी सारी दिलचस्प बातें आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक दिलचस्प बात कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। काफी सारे लोग कहते हैं कि हम डोनेट करना चाहते हैं कैसे करें, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको लाइक डिसलाइक के आगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप सुपर थैंक्स पे जाके जिस भी एप्लीकेशन या UPI से अकाउंट से जैसे भी आप हमें डोनेट करना चाहें आप हमें डोनेट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको बनता है। और मेरा फेसबुक ग्रुप भी है टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल के नाम से, लिंक्डइन पे मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं टेक्निकल गुफ्तगू के नाम से अवेलेबल हूं, तो सारी जगह मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा। आपको वीडियो के लास्ट में भी वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं। और इसके बाद काफी सारी बातें हो गई हैं, अगले लेक्चर में इसकी प्राइसिंग की बात रह गई है, वो मैं अगले लेक्चर में करूंगा क्योंकि लेक्चर शायद ही काफी लंबा होता जा रहा है। चलिए बात को किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। बात को आज अक्षर कुमार शाह साहब की एक गजल है उससे मैं खत्म करना चाहूंगा कि उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, चार दिन रह गए मेले में मगर अब के भी उसने आने के लिए खत में लिखा कुछ भी नहीं, कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने। ये शेर मुझे बेहद पसंद है कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, ऐ शुमार आंखें इसी तरह बिछाए रखना, जाने किस वक्त वो आ जाए पता कुछ भी नहीं। तो अख्तर शुमार साहब की ये गजल थी जो मुझे बेहद पसंद आई। और एक गजल कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो लिखी थी, मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा। और वो गजल कुछ यूं थी कि वो कौन है जो तेरे बाद आएगा, वो कौन है जो तेरे बाद आएगा, टूटे दिल को अपने दिल से लगाएगा, घर बसा लिया उसने मुझे भुला भी दिया, घर बसा लिया उसने मुझे भुला भी दिया, जरा पूछना उससे वो क्या क्या भुलाएगा, दिल जीत लिया बेशक किसी और का तूने, बहुत आऊंगा मैं याद तू जब हार जाएगा, ठुकरा कर मुझे उसके पास गई तुम, ठुकरा कर मुझे उसके पास गई तुम, तब कहां जाओगी जब वो छोड़ जाएगा, तब कहां जाओगी जब वो छोड़ जाएगा। कुछ ऐसी कहानियां होती रहती हैं। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।